कानपुर में एक बार फिर आग का तांडव देखने को मिला है। बाबूपुरवा थाना क्षेत्र स्थित 40 दुकान मार्केट में भयानक आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि उसकी लपटें दूर से दिख रही थीं। कुछ वक्त पहले ही यूपी के कानपुर का कपड़ा बाजार 4 दिनों तक धधकता रहा था। उस आग को लोग भुला भी ना पाए थे कि आज सुबह फिर से कानपुर में आग का तांडव देखने को मिल गया। बता दें कि 40 दुकान मार्केट में रेडीमेड की लगभग 200 दुकानें हैं। इनमें से करीब 60% टीन शेड या छोटी मोटी दुकानें हैं, लेकिन इनका कारोबार लाखों में होता है। आग पर फिलहाल दमकल की गाड़ियों ने काबू पा लिया है, मगर कितना नुकसान हुआ इसका आकलन होना अभी बाकी है। सुबह सवेरे जब लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं, तब कानपुर का बाबूपुरवा का कपड़ा बाजार धधक उठा। अचानक लगी इस आग को देखकर लोग सहम गए। देखते ही देखते आग की लपटों ने एक के बाद एक 10 अस्थायी दुकानों को राख में बदल दिया। दुकानदारों की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने करीब 2 घंटे की मेहनत के बाद इस आग पर काबू पाया। आशंका है कि सोमवार भोर में शॉर्ट सर्किट से किसी एक दुकान में आग लगी। जब तक लोग समझ पाते और बुझाने का प्रयास करते, ये आग बढ़ती चली गई और एक के बाद एक करीब 10 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आने से पहले लोगों ने खुद से आग बुझाने का प्रयास भी किया, लेकिन नाकाम रहे। दुकानदारों ने बताया कि आग की चपेट में आने से उनकी दुकान के साथ ही उसमें रखा पूरा सामान जलकर राख हो गया है। नुकसान कितना हुआ है इसका पूरा आकलन अभी तक नहीं हो पाया है। 40 दुकान बाजार के व्यापारियों का कहना है कि आग लगने का ये कोई पहला मामला नहीं है। हर साल इसी तरह दुकानों में आग लग जाती है, कभी छोटी तो कभी बड़ी। व्यापारियों का तो ये तक कहना है कि आग शॉर्ट सर्किट या कूड़े से नहीं लगती, इसके पीछे अराजक तत्वों का हाथ हो सकता है। इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। कपड़ा बाजार के व्यापारी और स्थानीय निवासी भी इस आग से परेशान हैं। उनका कहना है कि दुकानों में हमेशा आग लगती रहती है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने कभी भी आग लगने की वजह की जांच नहीं की। ये आग हमेशा शॉर्ट सर्किट की वजह से लगती है या फिर साजिशन लगाई जाती है। इस तरह की आग में व्यापारियों का लाखों का नुकसान हो जाता है। इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है, वरना किसी दिन कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है।